अब यहाँ बैठेंगे तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। गाने मत बजाना मेरे दोस्त, बस गाने मत बजाना। तो अभी देखो कितनी देर में आती है, आ तो गई है। Hey guys, welcome back to the new vlog. My name is Shubham और आज नए नए vlog में स्वागत है। और आज हम लोग आ गए हैं सयाजी बाग घूमने के लिए। तो योगेश और मैंने प्लान किया था कि ना बहुत पहले कि सयाजी बाग आएंगे, लेकिन वो टाइम पे हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन आज थोड़ा बहुत उसका मन है कि भाई टॉय ट्रेन वगैरह में घूमना है, तो थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, ऐसा देखते हैं कैसा जाता है। बट अभी वो आ रहा है, मैंने उसको बोला जल्दी निकल जाए, लेकिन अभी तक निकला नहीं। मुँह धो के बस अभी निकल रहा था, तो बस 5-10 मिनट पहुँच जाएगा, तब तक हमारा मीटिंग पॉइंट पर पहुँचता हूँ जाके। भाई ये देखो बत्तखें बैठी हुई हैं, मस्त घूम रही हैं। बेचारियों के लिए इतना कम थोड़ा थोड़ा जगह है, इनको खुला वुला बढ़िया तालाब वाला में छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही तो पिंजरा है इनका, खाना पीना सब यहाँ पर, छोटे छोटे बत्तखें भी हैं इसके अंदर। तो गाइस अपने यहाँ वेट करेंगे, क्योंकि ये है ब्रिज, यहाँ से वो आएगा, क्योंकि वो बैक डोर से आएगा, उल्टा पड़ेगा ना अगर मैं उधर से आएगा तो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, हम अपने वहाँ बैठते हैं जाके पेड़ के नीछे छाँव में। मस्त पूरा आम का पेड़ है भाई, छोटे छोटे आम भी लगे हुए यहाँ पे, बस आम गिरे बढ़िया था, छोटे छोटे लगे, बहुत कम लगे हुए लेकिन इस वाले पेड़ पे। यार अपने यहाँ बैठते हैं आराम से, बैठने बैठने की काफ़ी सही जगह है। देखना कितनी लेट करी है लड़के ने, भाई साहब हो रहा। मेरे को बोलता है घर से निकल जाओ, मेरे को फिर फ़ोन करना है। भाई घर से निकल गया, पेट्रोल भी डाले, यहाँ पर पहुँच भी गया, तब जाके भाई साहब ये घर से निकला है। ऐसे दोस्त हो तो क्या ही बोले यार। सर फटे तो फटे, टोपी ना हटे हैं। सर फटे तो फटे, नवाबी ना कटे, टोपी ना हटे तुम्हारी, सर फटे कुछ भी फटे पर नवाबी ना कटे। नवाबी तो तुम्हारी वैसे भी नहीं घटती। टोपी क्यों लगा ली बता, इतनी तेज धूप हो रही थी, दिमाग सिक जाता है। दिमाग सिक जाता है, मैं बैठा हुआ तब से दिमाग सिक ही रहा है ना मेरा, गुस्सा बहुत गंदा वाला, दिमाग खराब कर रहा है, घंटे में आते हैं। तो भाई साहब क्या ही मस्त रास्ता है ये, चलो ये वाला, मतलब फैमिली सब आए हुए हैं अभी, बढ़िया बढ़िया जगह है देखने के लिए इधर। मतलब गर्मी इतनी तेज है ना, क्या ही बोलूँ, शायद पेन वेन। हाँ रील नाच एक बार, नाच के दिखा, डांस करके दिखा, रील बना दूँ तेरी, मैं बना देता हूँ एक रील बढ़िया सी। रोड है यहाँ पे, रील बनानी वैसे। हाँ और क्या, फास्ट फ्लो फास्ट बाइक नहीं ला सकते। ये देखो बेचारे छोटे छोटे पानी वानी पी रहे हैं यहाँ पे, मत पानी और होना चाहिए यार यहाँ पे। पी कैसे रहा है, वही तो कैसे पी रहा है, तो वहाँ पी रहा। हाँ हाँ ठीक है जा रहे हैं, चल भाई शिकायत कर रहे हैं। तो गाइस वो जा रही ट्रेन, अभी इस पर बैठने के लिए बोल तो रहा है। अब देखो अभी ये कैसी ट्रेन है भाई, अभी ट्रेन अबे हाँ इस पर चल रही है ना। हाँ मुझे लगा कि ये सड़क पे चल रही है, अभी ये चक्कर मार के आएगी, इसके बाद आएगी भाई। कहाँ बैठेंगे, खाली है भी ज़्यादा खाली, मतलब पीछे बैठेंगे सबसे पीछे, बस आदमी क्या बैठा है, शोर बहुत होगा भाई, बढ़िया जगह है। जैसे अबे ये देख, ये पक्का मैं हूँ भाई, ये बंदा पक्का मैं हूँ, ये अकेला बैठा हुआ है, मस्त एकदम इंट्रोवर्ट बोलना बाहर में जाए दुनियादारी, भाई मैं अकेला जाऊँगा। तो गाइस ये रही सारी कार्स, कोई भी चाहो इसमें बैठ जाओ। तो भाई ये हो गया, हमारा टिकट मिल गई है, और टिकट मिलने के साथ ही हम लोग अभी पहुँच गए स्टेशन पर। और स्टेशन पर जो है ये इस तरीके का स्टेशन है, स्वामी विवेकानंद स्टेशन है ये, और यहाँ पर देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद स्टेशन। 15 मिनट का राउंड होता है, 15 मिनट में आ जाएगी अभी, और उसके बाद फिर अपने 45 मिनट, कुछ 40-45 मिनट वेट करना पड़ेगा कि भर जाए तब तक। बट उसके पहले तक चलो यहाँ पर। अभी भाई ओ भाई भाई, अभी इसमें गो कार्टिंग भी है, मतलब वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वाली कार रहती है ना ये। अरे यार चालू होता तो मज़ा आ जाता मेरे को ये, उसके बाद चलेगी तो क्या बढ़िया आएगी रुकेगी। कितना अनकॉन्शियस है भाई ये बंदा, कितना अनकॉन्शियस है, कितना अनकॉन्शियस है। हाँ ट्रेन के आगे खड़ा हो जाइयो, मैं खड़ा भी हो जाऊंगा, वो रुक भी जाएगी, असली ट्रेन नहीं है कि नहीं रुके, क्या पता ना रुके। वो अंकल वहाँ पे खड़े हैं, कूद के इंजन पे चढ़ जाना, वो अंकल है ना आपको मारेंगे, पता है आपको। वो अंकल क्यों मारेंगे भाई मेरे को, पटरी के आगे कूदोगे तो, पटरी के आगे कूदने पर 500 रुपये फाइन है। ये अंकल पक्का डांटेंगे कि नीचे क्यों कूदे। हाँ अंकल मुझे लगा आप डांटने आ रहे हो कि नीचे क्यों कूदा। नहीं 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 कूद जा, ये क्या है टिकट है ना, तो ही यहाँ पे हाँ घूम नहीं सकता, वो मैंने पढ़ा उधर, लेकिन हम लोग टिकट लेके ही आया था। अब ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा है टिकट के अंदर अभी तो गई 4 को 10 को। हाँ तो मतलब थोड़ी देर में आएगी, 15 मिनट बाद आएगी। हाँ 15 मिनट, ये क्या है कैमरा, यूट्यूब पे डालते हैं हम लोग। अच्छा आपका भी वीडियो आएगा। देखो भाई साहब वो आ रही ट्रेन, अब ट्रेन आएगी थोड़ी देर रुकेगी, क्योंकि हम दोनों ही अभी ये वाली ट्रेन में, तो अब और भी बंदे आएंगे। 40 से 45 मिनट बोला भाई। हाँ तो अभी देखो कितनी देर में आती है,
आ तो गई है, मतलब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं इसका कवर हो गया, लेकिन ठीक भी है, ज्यादा वेस्ट नहीं होगा टाइम। वरना दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन है, वो भाई साहब जलपाईगुड़ी से जाती है और उसको दार्जिलिंग पहुँचने में कितने घंटे लगते हैं? 80 किलोमीटर का रास्ता है, 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे, और इतना धीरे धीरे जाती है। और कोई पहाड़ों वाली भी राइड है ना उसकी, इसकी वजह से, और वो कोल वाली है इसकी वजह से। देखो आ गई भाई, आ गई। तो भाई साहब ये आ गई हमारी ट्रेन, जिसमें हम अभी बैठ के पूरा का पूरा कमाटी का हाँ हाँ मैं बोला भाई उधर ही बैठा लें हम लोग को, ऐसा भाई लग गई ब्रेक। तो भाई ऐसी कुछ लगती है ट्रेन, ये लगी घंटी अपनी, तो ये बेल आइकन दबा देना, जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा सब्सक्राइब करके, रेड कलर से याद आ जाता है, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ये यहाँ पर पूरा डीजल से चलता है, पूरा डीजल इंजन है ये, पूरा इंजन लगाया हुआ है। एंड यहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं और ड्राइवर के साथ एक उनका पो पैसेंजर, और ये बाकी सारी पैसेंजरों के लिए है। यहाँ पर ये पूरा इंजन है, उस तरीके से चलता है, सयाजी एक्सप्रेस नाम है इसका। देखो भाई कनेक्टिविटी कैसी है, नॉर्मल कनेक्टिविटी है इसकी, इस तरीके से मेटल की पूरी बनी हुई है, मेटल एंड वुडन फिनिश में, मेटल और वुडन फिनिश में मिल जाती है, बढ़िया सी छत भी मिल जाती है, फुल्ली एयर कंडीशनर है। अब यहाँ बैठेंगे तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, और हम लोग बैठेंगे पीछे, तो पीछे से पूरी ट्रेन का लुक आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो भाई ये बम्पिंग कार अपनी इसमें जा रहे हैं, और 3 मिनट का मैंने टिकट ले लिया है, 3 मिनट के लिए 40 रुपये। मैं बोला 3 मिनट, मैंने बोला ये क्या सीन है, 3 मिनट तो बंद हो गया, हेलो 3 मिनट तो मतलब मेरा चालू होगा ना अभी। चलो भाई चाहते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, इससे हम दो ही होंगे सिर्फ। हाँ तो बस भाग दो, मज़ा आ भी गई, थैंक यू भाई। ओ भाई साहब मैं अपनी गाड़ी पकड़ ले रहा हूँ, मैं वो ग्रीन वाली ले रहा हूँ फरारी। अबे वो लगा ली सीट बेल्ट, तो भाई अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। वाह वाह क्या बात है, ये योगेश भाई पकड़ इसको, लौंडो पकड़ भाई, खतरनाक खतरनाक जाम लगता है भाई, बड़ी खतरनाक लगती है। भाई देख एकदम अच्छा है भाई, जिसे पीछे होता है देख देख देख, ड्रिप ड्रिफ्टिंग देख ड्रिफ्टिंग, भगा 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 भाई पीछे से मार रहे लौंडे भाई, खतरनाक वाला। खतरनाक लगी भाई ये मार भागी भाई, ये बता भैया 3 मिनट मजा आ गया, ये 3 मिनट में मजा आ गया, अभी योगेश को टोकते ही योगेश। गंदी वाली ढोगी, गंदी वाली ठोक रहे भाई, गंदी वाली। ऐसे सर ड्रिफ्ट मारने का बड़ा शौक लड़ रहा है, खतरनाक। वाह भाई वाह, भाई साहब जिंदगी के कितने मजे आ गए भाई। ओहो ये लौंडे को मार रहा भाई, बचा लिया बेटा बचा लिया, ये जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। अबे यार टाइम खत्म हो गया भाई, लेकिन जबरदस्त सीन था भाई ये, 3 मिनट यार उससे ज़्यादा अच्छे थे ये, उससे ज़्यादा अच्छे 3 मिनट होंगे ये देखना। और चलाओ आ गया नहीं, खतरनाक खतरनाक ही सीन था।
भाई 3 मिनट पता नहीं चले लेकिन मजा आ गया। ये दादा मैंने ही आपको ठोका है, पता है भाई, लेकिन मैंने मस्त बचाई है गाड़ी। डॉज देखा मेरा कितना गोल गोल घुमा, 10 मिनट देख लो, इसमें माइक रखा है गाड़ी में, गया भाई। नहीं नहीं होगा भाई देख। तो भाई साहब सीन अभी ऐसा है कि अभी हम लोग को बैठे बैठे हो गया आधा घंटा और यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है। अब मुझे लगता है कि कैंसिल ना कर दे इसकी शक्ल देखो, बेचारा है क्या ही बोले उसका, पता नहीं कौन सी दुनिया में है अभी, देख रहे हो उसकी शक्ल। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी सब ठीक हो जाएगा भाई, एवरीथिंग विल बी। व्यूज नहीं आ रहे मेरे चैनल पे, थिंकर योगेश नाम है मेरे चैनल का, जाके सब्सक्राइब करो, ये वीडियो देख रहे हो ना, नो प्रमोशन। सो गाइस फाइनली चालू हो गई है ट्रेन और जल्दी जल्दी वो बंद कर रहे सारे गेट। अरे भाई ले कॉपीराइट, ये क्या सीन हो गया भाई, गाना बजेगा तो फिर भाई कहाँ ही रिकॉर्ड होगा। गाने मत बजाना मेरे दोस्त, बस गाने मत बजाना, बाकी तो चल दिए हैं, बजा दिए भाई, उसको बोला गाने मत बजाना वो बजा दिए बस एकदम। ए लड़के अरे अपने मुंह के सामने से हटा, मुंह नहीं दिखता मोबाइल। अरे रे टनल आया, टनल भाई खतरनाक वाली टनल आ गई है, टनल के अंदर सामान रखा हुआ है, ठक 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 की आवाज आ रही है, बढ़िया थी और गंदी वाली है भाई, भाई गाड़ी में ओवर मारा, क्या ही मजेदार साइड है भाई ये, अपने को पूरा बड़ोड़ा मतलब कि पूरा बड़ोड़ा बोल रहा हूँ भाई मैं। योचे अंकल, ये वाला अपना मतलब पूरा पूरा कमाटी बाग दिखा देंगे इसमें। तो भाई अभी पूरी ट्रेन में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और योगेश हैं, मतलब आगे दो अंकल आंटी बैठे हुए हैं और पीछे दो भाई बैठे हुए हैं और एक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस एकदम बैठे कर करता हुआ मैंने हटा दिया था, अभी आगे से सामने से पड़ेगी कि पूरा कमाटी बाग घुमाएगी, मतलब 15 मिनट का बोलते हैं कि 15 मिनट में घुमा देती है। तो वही है भाई, इसके इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन बढ़िया ही चीज़ है कोई, एक नंबर लग रहा है भाई। अभी ऐसा है कि मतलब पैसा वसूल चीज़ है, एक हम लोगों ने वहाँ पर वो को गार्डिंग का कर लिया और अभी ये ट्रेन, मतलब ट्रेन में मतलब कुछ साल बाद बैठ रहा हूँ भाई, कुछ साल हो गए उसके बाद आज जाके बैठ रहे, लेकिन मज़ेदार है, मतलब आज का डिसीजन अच्छा था, घूमने फिरने का काफ़ी दिल खुल के भाई अच्छे से हो गया। अभी घर आ रहा है बहुत झगड़ा वाला आगे से, वो दिखाते हैं भाई साहब, गाड़ी मोड़ रही है, वाह 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 जी वाह भैया, ये पूरा पूरा ग्राउंड लगा देते हैं, मतलब ये जहाँ पर मैं अभी लोग बैठा था ना, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बैठे थे वहीं पे लेके आइए वापस, और पता नहीं कितना, बस छोटा सा ही राउंड है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं है, है नहीं। ओ अंकल फिर देख कितनी बढ़िया जॉय राइड पे मस्त घूम सुम बैठा हुआ भाई, मैं तो मजे कर रहा हूँ प्लीज, ये है क्लॉक, ठीक है ये वर्ल्ड क्लॉक और इसका वर्ल्ड का कुछ रिलेशन है कि मैं नहीं जानता हूँ ना ही ये जानता है बोलता है इसका और वर्ल्ड का कुछ रिलेशन है, बस ये क्लॉक आ गई तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को, बोलता है होगा मैंने नीचे लिख दिया होगा क्या है ये क्लॉक का, इसका और वर्ल्ड का कुछ रिलेशन है भाई साहब, एक है ऐसा कुछ कुछ तो भी सीन है भाई, ये म्यूजियम म्यूजियम इसमें कैमरा अलाउड नहीं है, खरगोश है इसके अंदर, मतलब आउट ऑफ फोकस पे चला गया, देखो पिजन वगैरह है, खरगोश वगैरह है, किरण है यहाँ पर, नीलगाय हाँ हाँ, इधर रखना तो नहीं चाहिए, और भी होंगे यहाँ पे, वो देख किरण वो है प्योर हिरण आंटी लोग, वो रे भाई, अबे ये बैठे सारे के सारे, हाँ साहब ये रहे सारे के सारे बैठे गए थे मत ठंडक में गाँव में भाई, बरगद का पेड़ देखो कितना बड़ा है, जड़ी देखो कितनी बड़ी है भाई इसकी, कुछ नहीं दिख रहा दिखाने के लिए तो, बरगद का पेड़ देखो कितना बड़ा है, दिस इज कॉल्ड कंटेंट, कैसे निकालना है कंटेंट वाला चाहिए, खाई है यहाँ पर बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बहुत बड़ी खाई है, कुछ नहीं दिख रहा दिखाने को तो कुछ नहीं दिखा दो गाइस, देखो ग्रीन पावर गाइस, जनरेटर है आदमी इंसान, पहुंच गए हम लोग अभी यहाँ पर, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये बहुत पहले चलती थी, ये बहुत पहले चलती थी, अब नहीं होती। तो भाई साहब चलते चलते इतना गर्मी लग गई, इसलिए नींबू पानी पीने आए यहाँ पे, बस नींबू शरबत पियेंगे बढ़िया सा, थोड़ा रिलैक्स मिलता है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं चिल कर रहे हैं पेड़ की छाँव में, बहुत बड़े यहाँ पर छाँव है बढ़िया, यहाँ पर एक कमाटी गार्डन का गार्डन सा है, और ये आम का पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है ना भाई, और इतना प्यारा लग रहा है, रील वगैरह भी मैं बना रहा हूँ और वो भी चल रही है, इसमें आम लगे भी हैं भाई, बहुत सारे आम लगे हैं भाई, बहुत लगे हैं क्या ही बोले। तो भाई साहब ये मस्त अभी निकल रही है ट्रेन वापस यहाँ से,
उनका प्लान थोड़ा कैंसिल सा नज़र आ रहा है क्योंकि पब्लिक नहीं है यहाँ। बोल रहे 25 लोग होना ज़रूरी है तब जाके यार आया करो यार, 20 रुपये टिकट है, कितनी बढ़िया चीज़ है यार, प्लीज़ कम। सो गाइस हम लोग गए थे देखने के लिए लेकिन प्लैनेटोरियम तो बंद निकला क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, मिनिमम 25 लोग होने चाहिए, 150 लोग की सीट है, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ 7-8, 10-11 ही लोग हो रहे थे, इसके लिए शो नहीं दिखाया भाई। मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था, बहुत एक्साइटेड था, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, इसे तो देखा ही नहीं है, अब ये देखकर तो मज़े ही आ रहा था। अब नेक्स्ट टाइम देखो सैटरडे टाइम अगर आके देखेंगे, जब सैटरडे संडे पब्लिक होती है, सैटरडे संडे पब्लिक होगा, हाँ कोशिश करेंगे, सिर्फ इसके लिए आएंगे प्लैनेटोरियम घूमने के लिए, ज़रूर एक बार चेकआउट करेंगे आके। बाकी इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा खींचूंगा नहीं, एंड इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अपने कल मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।